ओके एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का क्लास है आज। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना, है ना, जिसका नाम है वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आदित्य, विश्वकर्मा, अशोक, छत्रपाल, दीपा और बाकी सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वन बाय वन आपसे डिस्कशन चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर को, जिसका नाम है सरल आवर्त गति। तो कॉपी में हेडिंग डाल लें आप सभी लोग, चैप्टर का नाम है सरल आवर्त गति। आपके माइक म्यूट कर सर, लीजिए। हाँ बेटा बोलिए। यस बोलिए बेटा। पेपर है का सर? देखिए सर पेपर है आज? मैं पेपर नहीं है, पेपर का वितरण होना है। आपको मैसेज किया जा चुका है क्लास में, उसमें ग्रुप में। सर मिल आप लेने आइएगा ना 10:30 बजे, ठीक है? चलिए सर तो ठीक है। आपको उसमें लिंक दी गई है, जो लिंक आपको भेजी गई है ग्रुप में, उस लिंक से जाके भी आप पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है ना? लिंक आपको मिल गई है। अभी क्लास करते हैं, उसके बाद में कोई डाउट हो तो मुझसे कॉल करके बात कीजिए या मैसेज कीजिए, अभी क्लास का टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ आ रही है मेरी? सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे, यदि कुछ पूछना है तो ही माइक ओपन करेंगे, अदरवाइज आप प्लीज़ अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सरल आवर्त गति। तो सबसे पहली सवाल हमारे पास है कि आवर्ती गति क्या होती है। पहला सवाल है आवर्त गति क्या होती है। ओके, तो देखिए आवर्त गति क्या, आवर्त का मतलब क्या होता है, आवर्त आवर्ती गति कह लो या आवर्त गति कह लो, बात बराबर है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को वापस रिपीट करे, ऐसी गति एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को वापस क्या करे, रिपीट करे, अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बार बार रिपीट करे, तो वो कहलाती है आवर्ती गति। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी को हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो ये क्यों है आखिर 1 जनवरी को? क्योंकि ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पर कभी पड़ा 1 जनवरी पिछले साल का, तो एक साल के बाद 365 डेज के बाद जो है अर्थ फिर से आएगी इसी पोजीशन पे, और 2021 के बाद में 2022 वाला फिर से हैप्पी न्यू ईयर पड़ेगा, 1 जनवरी 2022। फिर इसके बाद 365 डेज के बाद फिर से अपनी पोजीशन को अर्थ क्या करेगी, रिपीट करेगी। मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर कोई बॉडी अपनी स्थितियों को पुनः रिपीट करती है तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। बोलिए समझ में आया? ऐसी गति कहलाती है आवर्ती गति, या इसी को बोलते हैं आवर्त गति। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे आप इसे आवर्ती गति कहें या इसे आवर्त गति कहें। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस गति जो अपनी स्थिति को वापस रिपीट करती है, उस पिंड की गति को हम बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति के कुछ उदाहरण हम बताएं आपको। आवर्ती गति का उदाहरण जैसे एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, जो एक समान वृत्तीय गति है यह आवर्ती गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति जो है वह आवर्ती गति का उदाहरण है, क्योंकि इसमें समान रफ्तार से चलते हुए पिंड जो है निश्चित समय अंतराल में एक चक्कर पूरा करता है और फिर से अपने चक्कर को प्रारंभ करता है। मतलब ये चक्कर लगाता रहेगा और जिसका समय अंतराल फिक्स है, तो समय अंतराल को हम बोलते हैं टी, जो कहलाता है आवर्तकाल। जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होगा, 365 दिन, ये है पृथ्वी का आवर्तकाल, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है वो 365 दिन में लगा करके पूरा कर देती है। इस तरीके से जो यहाँ पे पृथ्वी का आवर्तकाल बनेगा वो 365 दिन बनेगा। तो ये समझ में आ गई आपको आवर्त गति क्या होती है, ठीक है? तो चलिए पढ़ेंगे। अभय प्रताप सिंह माइक ऑन कीजिए अपना, अभय प्रताप सिंह, और बोलिए। यस सर। पढ़िए, आवर्त गति किसे कहते हैं, उत्तर दीजिए। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित पथ पर अपनी गति बार बार दोहराती है तो उसकी यह गति आवर्त गति कहलाती। एग्जैक्टली, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद, यहाँ पर निश्चित समय का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह निश्चित समय से ही निर्धारित होता है कि गति आवर्ती है या नहीं है।
अगर समय बदल रहा है तो गति आवर्ति नहीं होगी, बट यदि समय कांस्टेंट है, समय फिक्स है, समय नियत है, तो यह गति जो होगी आवर्ती गति होगी। इस निश्चित समय टी को क्या कहते हैं? इस निश्चित समय टी को हम कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है ना, आवर्ती गति। अब देखिए, अब आता है आवर्ती गति में आयाम से क्या तात्पर्य है, आवर्ती गति में आयाम से क्या तात्पर्य है। तो देखो भैया, अब हम दो चीजें हैं, एक है आवर्ती गति और दूसरी है सरल आवर्ती गति, एक है आवर्ती गति और दूसरी है सरल आवर्ती गति। आइए देखते हैं इस चीज को, हम समझते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई आवर्ती गति है, आवर्ती गति, आवर्ती गति का मतलब होता है वही आवर्त गति या आवर्ती गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब बच्चों, आवर्ती गति दो प्रकार की हो सकती है, एक या तो वो सरल आवर्त गति होगी, सरल आवर्त गति, और दूसरा या कैसी गति होगी, वृत्तीय गति, वो भी कौन सी वाली, एक समान। तो यहां पर मैंने आपको दो तरीके की आवर्ती गति बता दी, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में मेन बात क्या है, सरल आवर्त गति में मुख्य बात क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि सरल आवर्त गति में मुख्य स्पेशल बात क्या है। देखो भैया, ये अलग अलग टाइम पे जो जुड़ते हो बच्चे लोगों ना, कल से मैं आप लोगों को अलग अलग टाइम पे जोड़ना बंद कर दूंगा। सब पहले से आ करके, 9 बजे का टाइम है तो 9:05 तक जो आ जाएगा वो आ जाएगा, उसके बाद मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि क्लास बाकी डिस्टर्ब होती है, बीच बीच में मेरे को फिर से जाना पड़ता है, वैक करना पड़ता है ना। तो कल से 9:05 लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं ली जाएगी। क्लास में जैसे टाइम से आना पड़ता है वैसे यहाँ भी टाइम से आइए, क्योंकि समय खराब होता है और डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मैं। तो सरल आवर्ती गति में अब हम बात करते थे अभी, जैसे देखो वो भूल गया ना। हाँ, तो सरल आवर्ती गति दो टाइप की होती है, एक होती है सरल आवर्ती गति और होती है एक समान गति। तो जैसे देखो, एक समान वृत्तीय गति में ये पिंड है आपका, ये पिंड है, ये वी वेग से चल रहा है और ए से चलना शुरू हुआ और बिल्कुल एक फिक्स समय अंतराल के बाद जो है ये अपने समय पे यहाँ पर ए पर वापस आ जाएगा। कितने समय के बाद? टी समय के बाद। टी समय के बाद ये अपनी पोजीशन ए पे आ जाएगा। अब ये देखो, ये सरल आवर्त गति क्या है, ये तो वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में आपने देखा जो पिंड है वो एक ही तरफ मूव करता है, एक ही तरफ। अब सरल आवर्त गति देखो, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आपने धक्का दिया तो ये पेंडुलम पहले अपनी सबसे ज्यादा वाली अवस्था पर गया, सबसे ज्यादा इसने विस्थापन ट्रेवल किया, सबसे ज्यादा विस्थापन ट्रेवल किया, फिर पीछे आया, फिर ये पीछे आया, फिर ये सबसे इधर वाली अवस्था ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया और फिर ये वापस आया। मतलब हो क्या रहा है, देखो यहाँ से था तो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया। तो ये कहलाएगा पेंडुलम का एक चक्कर, जहाँ से चला था वहीं पर ये पेंडुलम वापस आ गया, ये कहलाएगा आपका पेंडुलम का एक चक्र कहलाएगा। तो यहाँ तक का पूरा टाइम पीरियड कहलाएगा टी। जरा इस मोशन को देखो और जरा इस मोशन को देखो, दोनों में क्या फर्क है? इसमें जो है जो पॉइंट है वो अपनी अवस्था के एक ही तरफ घूमा जा रहा है, मगर इसमें जो पेंडुलम है वो अपनी अवस्था के इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, समझ गए ना। तो ये जो अवस्था जो बीचों बीच में होती है, जिसमें विस्थापन जीरो होता है, विस्थापन कितना होता है, जीरो, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम बोलते हैं माध्यावस्था। तो ये जो अवस्था कहलाती है इसको हम बोलते हैं माध्यावस्था, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, माध्यावस्था है, मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के आजू और मीन पोजीशन के बाजू जो है पार्टिकल जाया करता है। तो ये भी एक आवर्त गति है, क्यों? क्योंकि इसको लगने वाला समय बिल्कुल कांस्टेंट है, जितना समय यहाँ एक चक्कर में पूरा करने में लगेगा अगला भी चक्कर उतने ही समय में होगा। तो इसमें अभी भी आवर्ती गति तो है, ये भी आवर्ती गति है, ये भी आवर्ती गति है, परंतु ये वृत्तीय गति,
है, ये सरल आवर्त गति नहीं है। और ये कैसी गति है? ये सरल आवर्त गति है। बोलो समझ में आया? अब है माइक ओपन करके आप सभी के बदले बोल एक दें, बार रिपीट कर दीजिए सर। एक बार फिर से यस सर। रिपीट कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि वृत्तीय गति में देखिए जो पिंड होता है वो उसकी कोई माध्यावस्था नहीं होती है, वो हमेशा एक ही दिशा में चलता रहता है, एक ही दिशा में चलता रहता है। मगर सरल आवर्त गति में जो पिंड होता है वो एक ही दिशा में नहीं, वो अपनी माध्यावस्था के इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड या माध्यावस्था के आजू बाजू चला करता है, माध्यावस्था के आजू बाजू चला करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये दोनों ही आवर्ती गति हैं, और दोनों आवर्त गति हैं परंतु दोनों सरल आवर्त गति नहीं है। ये वाली सरल आवर्त गति है और ये वाली सरल आवर्त गति नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर, सरल आवर्त गति में विस्थापन शून्य कैसे होता है? ये समझ में भैया नहीं आया। विस्थापन तो एक समान वृत्ति गति में भी शून्य होता है। अब जिस पॉइंट से पेंडुलम चलेगा, जैसे यहां से मान लो पेंडुलम चला और यहां से चला, तो यहां पर विस्थापन कितना होगा? जीरो। फिर अधिकतम विस्थापन तय किया, बोलो हाँ, यस सर। यहां से यहां तक अधिकतम विस्थापन तय किया, तो ये अधिकतम विस्थापन यहां पर कहलाता है, एस कह लो, वाई कह लो, जो कहना हो कह लो, एस बराबर प्लस ए। एस बराबर कितना? प्लस प्लस ए। ए। फिर इसके बाद ये फिर वापस आया, तो फिर वापस आएगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ या ना? यस सर। इसके बाद ये पीछे जाएगा तो पीछे भी अधिकतम ट्रेवल करेगा, तो इसका विस्थापन कितना बन जाएगा? s बराबर माइनस ए। यस और फिर वापस चला जाएगा तो फिर से इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो। आया समझ में? सर। हाँ, तो इस तरीके से ये जो गति होती है ये सरल आवर्त गति कहलाती है। बोलो बच्चों, क्लियर? सभी बच्चे माइक खोल के जवाब दें, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, अब माइक बंद कर लें। यस सर। ओके, गुड, अब माइक बंद कर लें। अब देखें कि अगला जो पॉइंट है ये हो गया अपने पास सरल आवर्त गति, ठीक है ना? अब एक चीज देखो बेटा, सरल आवर्त गति में विशेष क्या है? मैं तुमको सरल आवर्त गति का एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ, एक मैं तुमको दूसरा व्यू दिखाता हूँ, ये सरल आवर्त गति का दूसरा नजरिया समझो। बेटा ये मान लो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है ऐसी हुई थी, खिंची हुई थी, इतना खिंची हुई थी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पर स्प्रिंग में एक द्रव्यमान लगाया और स्प्रिंग को द्रव्यमान लगा करके आपने छोड़ दिया, खींच के छोड़ दिया। तो देखो जैसे ही द्रव्यमान लगाओगे तो ये जो पोजीशन थी पहले जब स्प्रिंग कुछ लगा नहीं था, तो उस पोजीशन को बोलते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। क्या बोलते हैं उसको? एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा? ये होगी माध्यावस्था। अब क्या होगा? जैसे आपने द्रव्यमान लटकाया है तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, स्प्रिंग जो है क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी। ये आपकी स्प्रिंग खिंच गई, ये आपकी स्प्रिंग क्या हो गई? खिंच गई। यहाँ पर स्प्रिंग आपकी जो है वो खिंच गई। ओके, अब स्प्रिंग के खिंचने के बाद ये स्प्रिंग फिर जैसे नीचे खिंची है वैसे ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि आपने इसको खींच करके छोड़ दिया है, तो ये नीचे खिंची है तो एक बार ऊपर भी हो जाएगी, फिर ऐसी भी हो जाएगी। बोलो होती है कि नहीं होती है? बोलो यस होती होती है कि नहीं होती बच्चों? सर। हाँ, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो स्प्रिंग है ये माध्यावस्था के ऊपर नीचे या आजू बाजू माध्यावस्था के दोनों ओर गति करती है। देखो ध्यान से, ये थी माध्यावस्था, माध्यावस्था मतलब विस्थापन x बराबर जीरो। जब नीचे तो विस्थापन बढ़ गया नीचे की तरफ, तो x बराबर प्लस है, और जिस समय ऊपर गया तो ये देखो x बराबर कितना हो गया? माइनस a। क्लियर हुआ? तो नीचे की तरफ विस्थापन बढ़ गया x बराबर प्लस है, और ऊपर की तरफ गया तो विस्थापन x बराबर माइनस है। तो इस तरह की जो गति कहलाती है, इस तरह की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। चलो ये गति कहलाएगी सरल आवर्त गति। अब ध्यान से देखिए, स्प्रिंग जो है जब खिंचाव नहीं था स्प्रिंग में, तो बेचारी स्प्रिंग कैसे रखी हुई थी? एक्स इक्वल टू जीरो पर। बट जब आपने इसको खींच करके लंबा कर दिया तो ये अपनी माध्यावस्था से थोड़ी दूर चली जाती है, क्योंकि आपने इसको खींच करके लंबा कर दिया है,
तो ये अधिकतम दूरी जो माध्यावस्था के सापेक्ष तय की जाती है, ये अधिकतम दूरी जो माध्यावस्था के सापेक्ष तय की जाती है, उस दूरी को कहते हैं आयाम। क्या बोलते हैं बेटा? आयाम। तो नीचे की तरफ का आयाम बोला जाता है प्लस ए, और ऊपर का आयाम क्या कहा जाता है? माइनस ए। इसलिए जो आयाम चलता है वो होता है प्लस माइनस ए। तो आयाम लिख लें प्लस माइनस ए। चलिए बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दिया करो, डी ओ एन ई, डन। ओके, ये कौन भाई घंटी बजा के भाग गया? क्या ट्रबल शूट आ रही है? कोई ट्रबल शूट की जरूरत नहीं है। सर एक बार स्क्रीन फिर से शो कर दीजिए, स्क्रीनशॉट। बिल्कुल लियो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी का मैसेज आ गया था इसलिए वापस गए थे। स्क्रीन अब देखिए, तो ये कहलाता आपके पास में आयाम। यस ओके, तो ये कहलाता है आयाम। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है, सरल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है? कौन पढ़ेगा भैया? इसको पढ़ेंगे आदित्य विश्वकर्मा। माइक ओपन करिए और पढ़िए। सरल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है? क्या समझते हैं आप सरल आवर्त गति में आयाम? पढ़ो बेटा आदित्य विश्वकर्मा, पढ़िए सरल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की साम्य स्थिति में स्थिति से उसके एक और अधिकतम विस्थापन में को आयाम कर कहते हैं। एग्जैक्टली सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की साम्य स्थिति, साम्य स्थिति मतलब मध्यावस्था, मध्यावस्था मतलब x बराबर 0 के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। विस्थापन क्योंकि दो तरफ होता है, x इक्वल टू 0 के आजू या ऊपर, तो ये बन जाता है x इक्वल टू प्लस a, और दूसरा बनता है x इक्वल टू माइनस a। आयाम में हमेशा आपको a ही लिखना है, क्योंकि चला गया a दूरी बताता है, प्लस और माइनस बताते हैं कि दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयाम। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब, ये ऑल इन वन जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका, नाम चेंज कर लो, कल मैंने कहा था अपने अपने नाम से आया करिए। ऑल इन वन बताइए भाई, दोलनी गति का आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? दोलनी गति का आवर्तकाल मैंने क्या बताया था? बोलो बेटा, नहीं बोलोगे? हाँ बेटा माइक ओपन करो। हाँ ओपन तो कर लिया आपने माइक, अब बोलना शुरू करिए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी तरफ आपकी? चलो शायद आपकी माइक में कोई दिक्कत है। अंगूरी बेटा पढ़ो, दोलनी गति के आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? अंगूरी पढ़िए, दोलनी गति का आवर्तकाल से क्या समझते हैं? जल्दी बोलो। दोलनी गति करती हुई वस्तु को एक दोलन पूरा करने में लगा समय दोलनी गति का आवर्तकाल कहलाता है। बिल्कुल सही, एक दोलन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। अभी मैंने बताया था दोलन करती हुई कोई भी वस्तु का आवर्तकाल सेकंड में नापा जाता है, और ये इसके एक दोलन में करने में लगा हुआ समय होता है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला फॉर्मूला है, अगला सवाल है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। देखिए बच्चों आवृत्ति क्या होती है, पहले ये जान लो, कॉपी में आवृत्ति लिख लो। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन में लगने वाला समय, लगने वाला समय। तो एक दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल टी सेकंड है तो टी सेकंड में कितने दोलन होंगे? एक दोलन। टी सेकंड में होंगे एक दोलन, तो अगर आवर्तकाल मतलब टी सेकंड में होंगे एक दोलन, क्योंकि टी सेकंड आवर्तकाल है, और एक दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। समझ गए ना? तो अगर टी सेकंड में एक दोलन होते हैं तो एक सेकंड में कितने दोलन होंगे? 1/T दोलन। सेकंड में होंगे 1/T दोलन। तो एक सेकंड में होने वाले दोलन की संख्याओं को ही हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? एन से भी किया जाता है,
एफ से भी किया जाता है, न्यू से भी किया जाता है, एन एफ न्यू तीनों से किया जाता है, मगर फॉर्मूला एक ही है, एक बटे टी। नोट कर लें, आवृत्ति का फॉर्मूला एक बटे टी अर्थात एक बटे आवर्तकाल, वन अपॉन आवर्तकाल। तो एक बटे आवर्तकाल को बोलते हैं हम आवृत्ति, ये कहलाती हमारी आवृत्ति एक बटे आवर्तकाल। अब इसकी इकाई क्या है बेटा, एक यानी एक आवर्तकाल को किसमें नापोगे, सेकंड में, तो इसकी इकाई को बोल सकते हो सेकंड इनवर्स। और एक साइंटिस्ट थे हर्ड्ज, उनके नाम पे इसकी इकाई पड़ गई हर्ड्ज। तो आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ड्ज, पूरा नाम होता है एच ई आर टी जेड, मगर इन शॉर्ट इसको लिखा जाता है हर्ड्ज, ठीक है ना। तो अगर आप एक सेकंड में 50 दोलन कर रहे हैं, अगर आप एक सेकंड में 50 बार दोलन कर रहे हैं, ठीक है ना, रस्सी से लटक गए और 50 बार आपने एक सेकंड में पूरे पूरे दोलन कर लिए, आपकी जो आवृत्ति होगी वो कितने हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया, अंगूरी समझ में आया, क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, गुड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गई भाई, अब लिखो बेटा अगला, सरल आवर्त गति में गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल। पहले मैंने क्या बोला है, आवर्तकाल, सरल आवर्त गति में गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आवर्तकाल जो होगा सरल आवर्त गति में करते हुए पिंड का कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आवर्तकाल का, सरल आवर्त गति में करते हुए गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल। फॉर्मूला लिखे बच्चों, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। हाँ, अब ये आएगा कैसे ये मैं आपको बाद में डिराइव करवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लें, ये बहुत जरूरी है। त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। ओके, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है। कैसे लिखते हैं इसको फॉर्मूले में बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, विस्थापन को किससे बोलते हैं, एक्स से या वाई से, तो अभी फिलहाल मैं एक्स मान लेता हूं, और त्वरण किससे रिप्रेजेंट होता है, ए से। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए, ये हो गया आपका आवर्तकाल। और अब मैं बात करता हूं आवृत्ति की। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक बटे टाइम पीरियड। ओके, तो इसको उल्टा कर दो, 2 पाई के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 पाई के नीचे क्या माना जाएगा, 1। तो इसको पलट दोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 पाई नीचे चला जाएगा, और अंडर रूट में विस्थापन चला जाएगा ऊपर और एक्स चला जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 पाई ऊपर चला गया त्वरण और नीचे चला गया विस्थापन। तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से ही नीट जेई एनडीए में क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। कहां से आया, कैसे आया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लें टाइम पीरियड का और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन? यस सर। ओके गुड। तो ये हो गया बेटा। अब तो देखिए फॉर्मूला मैंने बताया कि आवृत्ति का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है, एक बटे आवर्तकाल मतलब आवृत्ति होता है, आवृत्ति इक्वल टू 1/2 पाई त्वरण अपॉन विस्थापन। यस, तो 1/2 पाई त्वरण बटे विस्थापन, तो ये भी बन गया भैया अपने से। चलिए अगला सवाल करते हैं, सरल लोलक के अतिरिक्त सरल आवर्त गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो सरल लोलक मतलब पेंडुलम, पेंडुलम के अतिरिक्त 2 उदाहरण दीजिए जहां पे सरल आवर्त गति हो रही हो। तो एक तो गति होती है आपकी पेंडुलम की, जिसमें सरल आवर्त गति होती है, ठीक ना, एक गति हुआ करती है पेंडुलम की,
जिसमें सरल आवर्त गति हुआ करती है। दूसरी गति आपको बताना है कि और कौन सी गति है जिसमें आपकी सरल आवर्त गति हुआ करती है। दूसरी गति आपको बताना है कि कौन सी गति है जो सरल आवर्त गति होती है। तो एक तो पेंडुलम देख ली है, दूसरी आपने क्या देख ली बेटा, लिखो स्प्रिंग गति। स्प्रिंग गति ठीक ना, स्प्रिंग की गति होती है। अच्छा, सरल लोलक में झूला भी आ जाता है, झूला भी जो होता है सरल लोलक के जैसे गति होती है, ठीक ना, झूले की गति सरल लोलक की गति होती है, स्प्रिंग गति हो गई। और क्या बेटा गति में बताऊं, एक पानी ले लो, टब में पानी भर दो और पानी के ऊपर जो है कोई प्लास्टिक का डिब्बा डाल दो, कोई प्लास्टिक का कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स आयताकार डिब्बा डाल दो और अब इसको आप थोड़ा सा दबा के हल्का सा छोड़ दो। तो ये देखो, ये जो बॉक्स होगा वो कैसे मोशन करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके की गति करता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ये जो गति होती है ये भी कैसी गति होती है, ये भी होती है सरल आवर्त गति। तो ये गति भी होती है सरल आवर्त गति। हमें पूछा गया है कि सरल आवर्त गति, सरल लोलक के अतिरिक्त सरल आवर्त गति के दो उदाहरण, आंसर स्प्रिंग में लटके पिंड की गति, दूसरा द्रव में तैरते खोखले बेलन की गति। नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल सवाल, द्रव में तैरते खोखले बेलन की गति। डन। लिख लिया बच्चों? डन सर। हाँ भाई, अटेंडेंस होगी अभी, ठीक ना, अभी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो सभी लोग लाइव रहें। चलिए अगला सवाल है, सरल आवर्त गति क्या होती है। तो मैंने आपको इतनी सरल आवर्त गति पढ़ाई है, अब एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, जरा देखिए आप क्या होता है सरल आवर्त गति में। जब आपके पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी इसमें कुछ लटका नहीं है, तो ये स्प्रिंग का विस्थापन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कोई इस पर विस्थापन नहीं है, तो इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल यदि मैं बल की बात करूं तो बल बराबर क्या होगा, जीरो। अब देखिए, जब आप स्प्रिंग पे कुछ लटका देते हैं तो अब ये स्प्रिंग लंबी हो जाती है, लटकाते ही स्प्रिंग में खिंचाव आ जाता है और विस्थापन हो जाता है इस दिशा में, और विस्थापन की वैल्यू क्या होती है, एक्स इक्वल टू प्लस ए। जब विस्थापन इस दिशा में होता है तो स्प्रिंग पीछे की तरफ एक बल लगता है। जब आप किसी स्प्रिंग को पकड़ कर अपने हाथों से खींचें, कभी किसी स्प्रिंग को पकड़ करके कुंदे से यहां पर अपने हाथों की उंगली लगा के खींचें तो स्प्रिंग आपको ऊपर की तरफ खींचती है, तो ये बल लगता है ऊपर की तरफ, इस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो ये बल कहलाता है प्रत्यानयन बल, जिसकी वजह से ये ब्लॉक वापस ऊपर की तरफ जाता है, ये बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। तो ध्यान से देखिए, प्रत्यानयन बल लग रहा है ऊपर और विस्थापन दिशा है नीचे, मतलब F लग रहा है ऊपर और X लग रहा है नीचे। फिर क्या होगा, फिर ये बॉक्स ऊपर उठ करके आएगा और इसके पीछे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी स्प्रिंग की दशा, स्प्रिंग बिल्कुल चिपक जाएगी एकदम एक दूसरे में और बॉक्स जो है यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, मतलब मध्यावस्था कहाँ थी, यहाँ थी मध्यावस्था, ये थी x इक्वल टू जीरो। अब इसके पीछे की तरफ ब्लॉक चला गया है, मतलब ब्लॉक ने कितना विस्थापन ट्रेवल किया, x इक्वल टू माइनस ए, ये की तरफ चला गया है। अब देखिए, क्योंकि विस्थापन हुआ है ऊपर की तरफ, मगर इसका बल जो है स्प्रिंग का, इसको धक्का मारना रहेगा, मतलब अब जो है प्रत्यानयन बल कहाँ लगेगा, नीचे। पहले बार विस्थापन नीचे था तो प्रत्यानयन बल ऊपर था, ये देखो विस्थापन था नीचे, प्रत्यानयन बल था ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर विस्थापन हुआ ऊपर तो प्रत्यानयन बल कहाँ लगा, नीचे लगा। विस्थापन हुआ ऊपर तो प्रत्यानयन बल नीचे लगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि F और X, मतलब विस्थापन और प्रत्यानयन बल एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में लगते हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, F इक्वल टू सॉरी F समानुपाती माइनस X, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये है मेन फॉर्मूला किसका, सरल आवर्त गति का, कि सरल आवर्त गति में जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के
समानुपाती हुआ करता है, जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती हुआ करता है। नोट कर लीजिए इसको, समानुपाती प्रत्यानयन बल जो है वो विस्थापन के समानुपाती, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है मेन फॉर्मूला F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, प्रत्यानयन बल समानुपाते विस्थापन, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। ओके चलिए, तो अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको सिंपलीफाई कर लूं, तो सिंपलीफाई करूंगा तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, माइनस एक्स क्या दिखाता है, माइनस एक्स दिखाता है दिशा का बोध कराता है, तो ये माइनस साइन जो है दिशा का बोध कराएगा कि फोर्स अगर लगेगा ऊपर तो प्रत्यानयन बल अगर ऊपर लगेगा तो विस्थापन नीचे होगा, और अगर विस्थापन ऊपर होगा तो प्रत्यानयन बल नीचे होगा। इसको सॉल्व कीजिए, वो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या आएगा माइनस के एक्स, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये फोर्स का समीकरण है किसमें, सरल आवर्त गति में, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, लिख लीजिए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सरल आवर्त गति में लगने वाले बल का समीकरण है। भैया देखिए 9:36 हो गए हैं, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, कल से मैं एंट्री नहीं दूंगा, लास्ट 9:05 पर ही एंट्री होगी, सभी लोग सुन लें, उसके बाद आप जो है एंट्री नहीं दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका विस्थापन, ये है भाई स्लाइड, एफ सॉरी बल एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। आइए और खेलते हैं इसके साथ, न्यूटन के नियम से एफ बराबर कितना होता है बच्चों, एम इंटू ए, न्यूटन के नियम से एफ बराबर होता है एम इंटू ए, तो यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूँ एफ की जगह एम ए, तो एम ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस का के एक्स, सो ए इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू कितना एक्स हो गया, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स, क्योंकि के भी कॉन्स्टेंट है, द्रव्यमान भी कॉन्स्टेंट है, तो दूसरी SHM की आवर्त गति की दूसरी कंडीशन लिखिए, सरल आवर्त गति की दूसरी कंडीशन है A प्रोपोर्शनल टू समानुपाते कह लो माइनस एक्स, A समानुपाते माइनस एक्स, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। ओके, तो क्या करी हमने दो कंडीशन, एक पढ़ी एफ समानुपाते माइनस एक्स और एक पढ़ी ए समानुपाते माइनस का एक्स। चलिए दोनों कंडीशन लिख ली हैं, अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं, अपने मोशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अब पढ़ लिए थे, हाँ भाई अशोक मौर्य जी माइक ओपन कीजिए, अशोक मौर्य पढ़ेंगे अब, अशोक मौर्य बेटा माइक ओपन करो, ठीक, यस। चलिए अब आपको पढ़ना है, बताओ भाई कि सरल आवर्त गति कैसी गति होती है बताइए, और इसकी विशेषताएं लिखिए, जब कोई, पढ़ो, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में, सुनो भैया मध्य नहीं होती है माध्य होती है, मध्य का मतलब होता है बीच में, हाँ माध्य मतलब जिसमें विस्थापन जीरो हो, माध्य स्थिति का मतलब एक्स बराबर जीरो, माध्य स्थिति का मतलब एक्स बराबर जीरो के दोनों तरफ, इंग्लिश में दोनों तरफ को बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ये कहलाता है दोनों तरफ। आगे पढ़ो, माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्तित गति करती है कि प्रत्येक स्थिति में उसका त्वरण माध्य स्थिति के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण सदैव माध्य स्थिति और दृष्टि दृष्ट होता है, तो यह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। बिल्कुल सही, हमने यही बताया आपको कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, और त्वरण हमेशा कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, मतलब विस्थापन के पीछे की तरफ, अगर माध्य स्थिति की तरफ लगेगा, देख लो ध्यान से अभी जितने डायग्राम बने हैं देख लो, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, दृष्ट मतलब दिशा, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की तरफ होती है तो वो कहलाता है अपना सरल आवर्त गति। समझ में आया, पूरा हुआ, ओके सर, ठीक है,
ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपकी सरल आवर्त गति। लिख लीजिए फॉर्मूला इसका, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी सही है और एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी सही है, दोनों ही सही हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ बेटा बल्लू, बल्लू रजक के नाम से जो बच्चा है वो ओपन कर रहे माइक। भैया पढ़िए जल्दी से। यस सर। हाँ बेटा पढ़िए, सरल आवर्त गति की विशेषताएं बताओ। फर्स्ट, यह गति एक आवर्ती गति है, अर्थात गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी स्थित के बार बार गुजरती है। यस। दूसरी, यह गति कंपनीय गति है, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति की दिशा पलट उलट जाती है। हाँ रुको 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 बेटा, देखो गति की दिशा पलट जाती है कैसे, ये अपने पास पेंडुलम जो है गति की दिशा करते हुए यहाँ पर गया और इसके बाद इसकी गति की दिशा पलट गई थी, तो इसको बोलते हैं कंपनिक गति। ओके, कंपनिक गति मतलब कंपन करने वाली, कंपन केवल एक दिशा में नहीं होता, कंपन दो दिशाओं में होता है, इसलिए गति की दिशा उलट जाती है। थर्ड पॉइंट पढ़ो बेटा। इस गति में वस्तु पर लगने वाला त्वरण हमेशा माध्य स्थित की ओर दृष्ट होता है तथा माध्य स्थित से विस्थापन के अनुक्रम अनुपाती होता है। बिल्कुल सही, जो त्वरण होता है हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी तो बल कहाँ लगेगा, त्वरण कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर स्प्रिंग ऊपर की तरफ सिमट जाएगी तो भी त्वरण कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब दोनों केस में देख लो, जो इसकी दिशा होती है वो माध्य स्थिति की तरफ होती है। समझ में आया सभी को? तुम्हें आ गया समझ में बेटा? चलिए अगला पॉइंट है, इस गति में वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है। नोट कर लीजिए, इस गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। तो मैं बता देता हूं आपको कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। हेडिंग डालिए सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखिए, मैं सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की बात करूंगा। जो बच्चों स्थितिज ऊर्जा हुआ करती है सरल आवर्त गति में, वो लिखो U इक्वल टू हाफ एम ए एक्स स्क्वायर। हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो स्थित काइनेटिक एनर्जी होती है वन अपॉन टू हाफ एम, एक मिनट बेटा, यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर होती है क्या, एम एल टू टी टू पावर माइनस टू, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे गति हाफ एम निकालना पड़ेगा। वी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एम कितना होती है। चलिए अब एक काम करिए, अभी मैं आपको कुल ऊर्जा लिखा देता हूँ। कुल ऊर्जा इक्वल टू होती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसी कुछ एनर्जी आती है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसी कुल ऊर्जा आती है। अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, आप ये लिख लीजिए कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज प्लस गतिज। यस, स्थितिज प्लस गतिज। चलिए मैं एक सेकंड देख के बता रहा हूँ कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा के समीकरण क्या हैं। सर मैं आपको फोटो सेंड करूँ? ये हो सकता है। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस,
मिल गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। गतिज ऊर्जा होती है हाफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये होती है गतिज ऊर्जा SHM में। इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, याद कर लें, हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक है ना, हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो गतिज ये हो गया हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो स्थितिज ऊर्जा है बेटा उसका लिखे फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेटा माइक ऑफ कर लो आप, ठीक है ना। यस ठीक है, सो फॉर्मूले दो बन गए हमारे पास। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला बनेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब सर ऊपर जो लिखा है वो गलत है, ऊपर ये वाला गलत है बेटा, सर ये का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वो गलत है। मैंने कहा थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, वो गलत है, ये गलत है, ये जो लिखा है बिल्कुल सही है, ये वाला बस सही। कुल ऊर्जा का देखना भी सही आएगा, निकाल देता हूँ कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला एकदम सही है। कुल ऊर्जा के यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास। चलो देखो क्या हमारा दोनों से, हाफ कॉमन है एम कॉमन है ओमेगा स्क्वायर है, हाफ कॉमन है एम कॉमन है ओमेगा स्क्वायर है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बच्चों लिखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कहलाएगी कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा बिल्कुल सही लिखी है, कुल ऊर्जा होती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये कहलाती है आपकी सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा। तो कोई भी सरल आवर्त गति होगी बच्चों, उसकी कुल ऊर्जा होगी एक बटे दो द्रव्यमान गुणित त्वरण का स्क्वायर, और ओमेगा कहलाता है कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। लिख लिए, फोटो ले ली इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, यस सर। चलिए तो अब चलते हैं आगे। तो हमने अब हमें देखना है, अगला सवाल आया है सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का विस्थापन समीकरण ज्ञात करो और इसकी सहायता से विस्थापन समय ग्राफ भी खींचिए। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल और बेहद जानकारी वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का विस्थापन समीकरण बनाइए। आइए देखते हैं इसका विस्थापन समीकरण हम कैसे बनाएंगे। चलिए बच्चों, तो इसका विस्थापन समीकरण हम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कि विस्थापन समीकरण कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास ये कोई पिंड है और ये पिंड यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, इसकी पोजीशन है सपोज ए, यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ है ये पिंड, तो ए पोजीशन का मतलब है यहाँ पर चलना स्टार्ट हुआ है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको सरल आवर्त गति देखनी है, तो ये कौन सी गति है, इस पिंड की गति मत देखो बेटा, इस पिंड की गति मत देखिए, क्योंकि ये पिंड तो वृत्तीय गति करेगा और वृत्तीय गति एक सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि वृत्तीय गति जो है
वृत्तीय गति कैसी गति है? आवर्ती गति है। वृत्तीय गति एक आवर्ती गति है। हमको कौन सी गति देखनी है? हमको देखनी है सरल आवर्त। तो आप एक काम करो, पिंड जिस समय यहां पर पहुंचेगा, इस समय देखो पिंड का जो प्रक्षेप पड़ेगा वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या पड़ेगा, ये देखो इसका वाई अक्ष पर प्रक्षेप है ये। अब ध्यान से देखो, जिस समय ये पिंड यहां रहा होता तो ये प्रक्षेप कितना रहा होता? यहां पे रहा होता। फिर और ऊपर जाएगा तो इसका वाई एक्स पे यहां प्रक्षेप पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो प्रक्षेप कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा। और ऊपर जाएगा तो प्रक्षेप यहां पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो प्रक्षेप यहां पड़ेगा। तो ध्यान से देखो प्रक्षेप की गति देखो, मतलब इसका जो इस पर छाया पड़ रही है, इसकी छाया की गति, वाई एक्स पर छाया की गति देखिए ध्यान से आप लोग। तो इसकी छाया की गति कैसी होगी? जिस समय पिंड यहां पर था तो इसकी छाया कहां पर पड़ेगी? यहां पर। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। फिर जैसे ये पिंड यहां पे आया तो ध्यान से देखो, ये पिंड आते ही इसका प्रक्षेप जो है यहां पर पड़ा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये पिंड हुआ, ये प्रक्षेप यहां पड़ा। फिर यहां पर आया पिंड तो प्रक्षेप यहां पर, यहां पर आया तो 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 प्रक्षेप यहां पर, और फिर इधर आते ही प्रक्षेप कितना हो गया? जीरो। तो ध्यान से देखिए, जो वाई अक्ष में विस्थापन है, वाई विस्थापन, वो पहले जीरो से बढ़ा है और फिर बढ़ करके जीरो हो गया है। यस कि नो? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपने जो विस्थापन है एक बार बढ़ा है, और बढ़ करके फिर जो विस्थापन है एक बार कम हो गया है, ठीक है ना। एक बार विस्थापन बढ़ा है, और विस्थापन एक बार बढ़ने के बाद जो है वो कम हो गया है। तो अब देखते हैं, विस्थापन पहले बढ़ा है और विस्थापन उसके बाद कम हो गया है। अब इसको एक थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए बहुत थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी वाली लगने वाली है। अब इतना तो डायग्राम बहुत गंदा हो रहा है। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो यहाँ पर घूम रहा है, पार्टिकल का कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। यस, मेरे साथ कॉपी में बनाते जाइए, बहुत मजा आएगा। पार्टिकल का कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। ये है कोणीय वेग, जिस रफ्तार से ये जाता है तो पार्टिकल का कोणीय वेग है ओमेगा। पार्टिकल का कोणीय वेग है ओमेगा। अब ओमेगा कोणीय वेग से यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर ये पहुंच गया। यहां पर टाइम कितना है? मान लो किसी टाइम टी पर ये बैठा हुआ है, और आपने टाइम टी पर इसको देखा तो इसका एंगल कितना है? थीटा। इसका एंगल कितना है? थीटा। ओके, तो ओमेगा कोणीय वेग से इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? थीटा। बना लीजिए इतना डायग्राम, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पर। तो ये ओमेगा कोणीय वेग से इस पर कोण कितना बन रहा है? थीटा। बन गया कोण थीटा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ करके आए हैं? हम पढ़ करके आए हैं कि कोणीय वेग बराबर, लिखते जाना कॉपी में, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यस, कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोणीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। सो कोणीय वेग कितना है भैया? ओमेगा। कोणीय विस्थापन कितना मान लो? थीटा। और टाइम कितना है? टी। तो इस जो कोणीय विस्थापन निकलेगा कितना होगा? ओमेगा टी। तो मतलब यहाँ पे जो थीटा बैठा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी है। जी हाँ, इसकी वैल्यू है ओमेगा टी। बच्चों समझ में आया? यस। चलिए, तो इस समय इसकी वैल्यू है ओमेगा टी, कोणीय विस्थापन की। अब आओ और मजे करते हैं। देखो भैया, इस समय इसका जो प्रक्षेप पड़ेगा वो यहाँ पे ये है, और ये प्रक्षेप की वैल्यू कितनी मान लो बच्चों? y। कितनी मान लो? y, क्योंकि y अक्ष में प्रक्षेप है, ये है y। क्या निकाल रहे हैं? हमको यही इसी का समीकरण चाहिए विस्थापन का, क्योंकि सरल आवर्त गति इसी की हो रही है, इस प्रक्षेप की। ध्यान से महसूस करो इस बात को, अगर ये कोणीय एंगल बढ़ेगा तो ध्यान से देखो इसका जो प्रक्षेप है वाई भी बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, y की शुरुआत कैसी हो रही है? y पहले कम था, कम 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 से होते होते ज़्यादा जाएगा, और फिर नीचे आएगा, कम हो जाएगा, फिर इधर की तरफ जाएगा, और फिर ऐसे की तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो चलिए अब हमें निकालना है इस y
के लिए समीकरण, तो बेटा इस ट्रायंगल को पकड़ लो। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला अंदर वाला। ये मेरे पास त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी ले लो बेटा? ए। कितनी त्रिज्या ले लो? ए। ए त्रिज्या ले लो, तो ए त्रिज्या ले ली हम लोगों ने, ए त्रिज्या ले ली। अब ए त्रिज्या पर ये वाला कोण कितना है? थीटा। और हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है, ये वाला वाई। तो इसके सामने जितना ये वाई होगा उतना ये वाई होगा। बोलो, अगर ये वाई है तो ये वाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये क्या होगा? इसको मान लो एक्स। इसको क्या मान लिया? एक्स। हाँ या ना? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। घूम गए बच्चों, तो पूछो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये यहाँ पे x कॉमा वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दूरी x है और ये वाली दूरी क्या है? y है। क्लियर? चलिए, गुड, ओके, ठीक है। पूछिए, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दो बार ही दिक्कत करेगा, उसके बाद तो बनेगा। अब आ जाओ, लगाते हैं साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ का लंब कितना है? वाई। कर्ण कितना है? ए। तो y इक्वल टू कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दिया, a साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू a, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी याद है? ओमेगा t। ये है थीटा की वैल्यू, ओमेगा t। सो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये आ गया y अक्ष में होने वाली सरल आवर्त गति का समीकरण। लिखिए, y अक्ष में होने वाली सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ईमानदारी से बोलो कि नहीं आया? यस सर। चलिए, साइन थीटा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अब है सर, इसमें साइन थीटा क्यों लिया? साइन भैया, आपको आपको वाई चाहिए कि नहीं चाहिए है? यस सर। वाई क्या है? लंब है ना? बोलो। यस सर, वाई लंब। तो लंब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात देता है? साइन थीटा ही तो देता है। यस सर। So y is equal to a sin theta, मतलब a sin omega t, ठीक है? Yes, sir. चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। चलो अब कौन बताएगा ग्राफ की बात? पूछते हैं मुकुल। बाकी सब अपना माइक ऑफ कर लेंगे, मुकुल परिहार अपना माइक ओपन करेंगे। मुकुल हो क्लास में? Yes, sir. चलो देखो, अब इसका ग्राफ हमें बताना है आपको। ये ग्राफ में यहां पर अपन ने ले लिया है थीटा, और यहाँ पे ले लिया है विस्थापन y। एक है थीटा और एक है विस्थापन y, ठीक है ना बेटा? गंगा मार को, क्लास खत्म होने वाली है, 30 मिनट बचे, 3 मिनट बचे हुए हैं, और अब आप आ रहे हैं। जो बच्चा जुड़ा हुआ है, बहुत लेट हो गए हैं, आइए। देखिए बेटा, तो कल से क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा, 5 मिनट के बाद में, याद रखना भाई, सभी लोग क्लास में टाइमली आ जाना। तो y अक्ष में होने वाली सरल आवर्त गति का समीकरण, मुकुल सवाल आपसे है, जिस समय आपका कण यहां पर होगा, मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं कण को, रेड पेन से मैंने शो किया, जिस समय कण आपका यहां पर है, मतलब थीटा जीरो है, उस समय बताओ y का विस्थापन कितना होगा? जल्दी बोलो सर। थीटा जीरो है तो वाई का विस्थापन, हाँ, कितना होगा सर? जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही सर। कौन? अरे जीरो बोल तो दिए, कहे को कॉन्फिडेंट नहीं हो, जीरो होगा। चलो अब देखो सर, जीरो। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वाई का विस्थापन बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? सर बढ़ता जा रहा है। यस, ये बढ़ता जा रहा है, और ऊपर, और विस्थापन, और ऊपर, और विस्थापन। और जैसे y 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो 90 डिग्री पे आ जाने पर बोलो y का विस्थापन कितना हो जाएगा अगर त्रिज्या a है तो? 90 डिग्री पे विस्थापन 90 होगा गधे,
कैसे होगा 90 डिग्री पे 90 विस्थापन, 90 डिग्री पे विस्थापन ए होगा, ए होगा बिल्कुल सही। मतलब विस्थापन की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी ए, तो 0 डिग्री पे ये थी, 90 पे हो जाएगी ए के बराबर। तो ये देखो ग्राफ गया 90 से लेके कितने पे, ए पे। अब चलो आगे चलो, इधर चलते जाओ, यहाँ आ गए विस्थापन कम हो गया, इधर आ गए विस्थापन देखो वाई पे कम हो रहा, और आ गए विस्थापन और कम हो गया, यहाँ आ गए तो कोण कितने डिग्री हो गया 180 डिग्री पे विस्थापन, बताओ मुकुल कितना होगा सर ए, ए सर टू ए। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे कैसी बात कर रहे हो, जीरो होगा जीरो। वाई फिर से अपनी माध्यावस्था पे पहुंच गया है भैया, देखो ना पहले जीरो से हीरो हुआ, अब वापस हीरो से क्या हो गया जीरो हो गया, तो माध्यावस्था पे नहीं पहुंच गया। Yes, अरे वाई का विस्थापन देखो, yes, तुम किसका विस्थापन देख रहे हो, ये देखो वाई का विस्थापन यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ फाइनली कहाँ पे आ गया, इधर पे जीरो पे, तो विस्थापन कितना हो गया जीरो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। यस, तो विस्थापन यहाँ पे जीरो हो चुका है। चलिए तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये विस्थापन हो गया जीरो, ये देखो y की वैल्यू घट रही है, y की वैल्यू घट के जीरो हो गई। मुकुल अब ध्यान से, अब गलत नहीं बताना, ठीक ना, गलत नहीं बताना, हाँ। चलिए अब देखो बेटा, अब एंगल नीचे की तरफ वेरी करो, ये देखो ये एंगल बढ़ा, विस्थापन कहाँ होगा y एक्सिस पे, ये होगा, और एंगल बढ़ाओ, विस्थापन कहाँ होगा, ये होगा, और एंगल बढ़ाओ, विस्थापन कहाँ होगा, ये होगा। बताओ विस्थापन ऋणात्मक दिशा में घट रहा है कि बढ़ रहा है सर, माइनस ए, हाँ बिल्कुल सही, विस्थापन होगा माइनस ए, एक लाइन में बोल दिया तुमने, अधिकतम विस्थापन जो जाएगा वो कितने पे जाएगा, माइनस ए, मगर जनता को ये भी तो बताओ कितने एंगल पे, 270, वेरी गुड, 270 डिग्री पे विस्थापन होगा माइनस ए, ये हो गया माइनस ए। चलो अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, अब बताइए यहाँ के बाद फिर से मैंने पार्टिकल यहाँ आया तो विस्थापन ये हो गया, यहाँ आया तो वाई एक्स में विस्थापन ये हो गया, यहाँ आया विस्थापन ये हो गया, यहाँ आया विस्थापन ये हो गया, 360 डिग्री पे विस्थापन कितना हो जाएगा सर, जीरो जीरो। इस तरीके से ये देखिए आपका बन चुका है सरल आवर्त गति का ग्राफ बन गया है, और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, समझ में आया टी। हाँ तो इसका आयाम क्या होगा, ऊपर भी है नीचे भी ए है, मगर दिशा के हिसाब से माइनस ए, तो आयाम होगा ए। चलो छाप लो बच्चों इसको, फोटो ले लो इसकी, ठीक है सर, आयाम प्लस माइनस ए नहीं होगा बेटा, दोनों होता है ना, आयाम प्लस माइनस ए, लिख लो, लिख लो आयाम बराबर प्लस माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, दो आयाम होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। चलो लिख लो, कौन बोल रहा था बच्चा बीच में, क्या पूछ रहे हो भैया बताओ सर, समझ नहीं आया, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया समझ में, पहले ये बताओ क्या नहीं आया समझ में। नहीं सर, वो आप ए बस लिख दिए थे तो बस वही कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेटा एक्चुअली आयाम में जो होता है ना, आयाम में दूरी ली जाती है, ये नहीं बताया जाता है कि प्लस है कि माइनस है, क्योंकि आयाम होती क्या है, दूरी, जितना ऊपर ट्रेवल होगा उतना नीचे ट्रेवल होगा, समझ गए ना। हाँ हाँ, इसलिए आयाम में कभी दूरी नहीं लिखाई जाती है, तो आपको जहां भी आयाम मिलेगा वो ए के रूप में ही मिलेगा, और ये आपको स्वयं समझना है कि भैया अगर ऊपर प्लस ए होगा तो नीचे कितना होगा, माइनस है। हाँ, ये आपको स्वयं समझना है, तो कहीं भी आप देखना सवाल में आयाम को ए ही बोलेंगे, वो अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं आयाम, चाहे वो विस्थापन उच्च सीमा में हुआ हो या निम्न सीमा में हुआ हो, वो विस्थापन अधिकतम ही कहलाता है, दिशाओं का बदलाव हो जाता है, दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। यस सर। चलिए तो आ गया समझ में सरलावर्त गति का बढ़िया समीकरण,
कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये हो गया सरल आवर्त गति का समीकरण। माइक बंद कर लो और अब देखो जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये देखिए, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए और इसकी सहायता से विस्थापन का ग्राफ खींचिए। तो ये हमने बना दिया है विस्थापन का समीकरण, बोलो बना दिया कि नहीं बनाया? खुशबू जी क्लास 9 बजे से थी, है ना, आप 10 बजे ऐड हो रहे हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बेटा, ये ग्राफ हो गया है, है ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ग्राफ हो गया है। और इसके बाद मैंने आपको ग्राफ में ये बना करके भी बता दिया, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। अब थोड़ा सा फर्क रह जाता है, आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे थीटा लिया है, एंगल लिया है। बेटा माइक बंद करो, माइक बंद करिए, किसका माइक चालू है, डिस्टर्ब हो रही क्लास? हाँ यस, ये देखिए यहाँ तो मैंने थीटा लिया है और आपने क्या लिया है, सर ने यहाँ पे क्या लिया है, टाइम लिया है। तो चलिए चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको टाइम में भी बनाए देते हैं इस ग्राफ का समीकरण। ये देखो बेटा, वेरी सिंपल चीज़ है, आप यहाँ से ले करके यहाँ तक एक चक्र चल रहे हैं, देखना है, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका एक चक्र है, ये पूरा एक चक्र है। तो एक चक्र का टाइम पीरियड क्या होता है, टी होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो जब टी है पूरा तो आधा कितना होगा, टी बाई टू होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक चौथाई कितना होगा, टी बाई फोर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये एक चौथाई, ये दो चौथाई, ये तीन चौथाई, तीन चौथाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, थ्री टी बाई फोर। और ये चार चौथाई, चार चौथाई मतलब 4t/4 माने कि पूरा, तो यहाँ आ गया। तो आइए ग्राफ में देखिए, एक चौथाई t/4, दो चौथाई t/2, तीन चौथाई 3t/4, चार चौथाई पूरा, पांच चौथाई, छह चौथाई, ये छह चौथाई कितना आ गया भैया, 6t/4, काटाकुटी करो, दो से दो बार, दो से तीन बार, तो कितना आ गया, 3t/2 ये आ गया। फिर सात चौथाई पे ये आ गया और आठ चौथाई मतलब 2t, और ये कहेगा आपका ग्राफ का एक चक्कर, ये कहलाएगा एक चक्कर। क्लियर हुआ? ये कहलाएगा एक चक्कर, ये कहलाएगा दूसरा चक्कर। मतलब ये जो आपका ग्राफ दिया गया है इसमें कितने दोलन दिखाई गए हैं, इस ग्राफ में दो दोलन दिखाई दिए हैं, बोलो यस कि नो? Yes. चलिए, तो सबको क्लियर है अच्छे से कि नहीं है, एक बार और बता दो, सब समझ में आया आज की क्लास में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब हम आपको नोट्स बनाने को दे रहे हैं, फाइल आपको हम भेज दे रहे हैं नोट्स बनाने को, पूरा पूरा सुंदर सुंदर कॉपी में बना करके आप लोग जो है डाल दीजिएगा ग्रुप में, या है ना भेज दीजिएगा कि सर हमने काम कर लिया। जाते जाते एक सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, यस, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, सब लोग माइक खोल करके जवाब दें। प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आवर्तकाल? आवर्तकाल। बिल्कुल सही, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल स्थिर होता है, बाकी सब बराबर होते हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों, गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं, नमस्कार। गुड डे सर। गुड डे बच्चों। गुड डे सर। गुड डे सर। गुड डे बच्चों। गुड डे सर।